कश्मीर सेंटर ब्रसल ने आज बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म के घर के सामने और बड़ी शाहरा पर एक पुरअमन रैली निकाली और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार किया। इस मौके पर सख्त सर्दी होने के बावजूद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके भारत के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुजाहरीन ने योम यकजहती कश्मीर के मौके पर हाथों में शमे उठाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार भी किया। मुजाहरीन ने खिताब करते हुए कहा, हम आज के दिन पाकिस्तानी कौम आजाद मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मनाएंगे और शहदा की याद में शमे जलाएंगे और इसी सिलसिले में आइए हम इकट्ठे हुए हैं। Tell us that we should stand with Kashmiris by any mean, political way, diplomatic way, whatever, or peaceful way. हम उम्मीद करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि जब तक ये तहरीक जारी है वो कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। इस मौके पर कश्मीर सेंटर ब्रसल के चीफ एग्जीक्यूटिव बैरिस्टर अब्दुलमजीद त्रंबू ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों की पुरअमन तहरीक एक अरसा से जारी है जिसे पाकिस्तान समेत यूरोपियन यूनियन और दुनिया के दीगर ममालिक की इखलाकी मदद भी हासिल है। इन्होंने कहा कि वी आर डिटरमिंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग विद इन द यूरोपियन यूनियन दैट स्टैंड फॉर जस्टिस डेमोक्रेसी एंड फॉर ह्यूमन राइट्स to see that Kashmir and the Kashmiri people are redeemed from the occupation altogether.